थोड़ा अंदर अंदर जाते हुए अल्लू अर्जुनारा बोलते कि हेवी फोर्स से पब्लिक आ गया अंदर। मैं मेरा बच्ची को लेके साइड हो गया था, तो हमारा मिसेस आगे थे बोल के उनको डकल डकली में आगे चले गई। अनकॉन्शियस से गिर के ये था, सर हमारा बच्चा है वो ये बोलते कि हॉस्पिटल में है उन्होंने। वही प्रीमियर शो का टिकट लेके हम अंदर गए थे, तो अंदर जाते वक्त थोड़ा क्राउड था, थोड़ा क्राउड में गेट के अंदर चले गए। हमारा मिसेस और बच्चा आगे थे, मेरा बेटी थोड़ा पीछे थे, तो थोड़ा अंदर अंदर जाते हुए अल्लू अर्जुनारा बोलते कि हेवी फोर्स से पब्लिक आ गया अंदर। मैं मेरा बच्ची को लेके साइड हो गया था, तो हमारा मिसेस आगे थे बोल के उनको डकल डकली में आगे चले गई। तो जब मैं साइड में रोक के, हमारा बेटी रो रही थी, नक्को पापा चले जाएंगे बोल, तो मम्मी अंदर गए बेटा आने के बाद चले जाएंगे, एक दो मिनट ठहरो इधर बोल के उसको ठहरा के मैं फ़ोन करा, फ़ोन करे तो मैं अंदर हूँ बोल के बोली, ठीक है अंदर है ना, ठीक है अभी टिकट जो टिकट सीट नंबर है वहीं पर जाके तो बैठती, मैं बाद में जाएंगे एक 10 मिनट ठहरो बेटा बोल, तो उन्होंने ठहर गए ये थी, थोड़ा पब्लिक क्लियर होते कि मैं टिकट बता के अंदर चले गया। अंदर चलने के बाद सीट कने जाके देखे तो सीट कने भी जाने की चांस नहीं थी, फिर उसके बाद में एक 5 मिनट्स वही वेट करके उधर इधर ढूंढा, किधर भी दिख रहा नहीं, वैसा ऐसा कोशिश करके अंदर गया। अंदर जा मेरा बच्ची को बाहर ठहरा के मैं अंदर गया, अंदर जाते कि हमारा सीट पे कोई दूसरा था, कोई भी फुल पब्लिक था, अरे इन्हें तो नहीं दिख रहे, पूरा ढूंढ लिया, फिर बाहर आया, मेरा बेटी रो रही, డాడీ మమ్మీ కావాలి, డాడీ అన్నయ్యడి అన్నయ్యడి డాడీ ఏడి అన్నయ్యడి నాకు భయమవుతుంది భయమవుతుంది బోల్తే బోలా కుచ్ భీ నా కొట్టారు ఇదరీ రైతి మమ్మీ అగర్ ఫోన్ ఫిర్ ఫోన్ కరే తో స్విచ్ ఆఫ్ ఆ రహా థా కహీ గిర్ గయా హూంగా భీడ్ మే అబ్ నహీ ఢూండే హోంగే కోయి ఉఠా కే లే గయా హూంగా బేటా జాన్ దో ఫోన్ గయా తో కహీ మమ్మీ కౌన్ సా తో అభీ నంబర్ మే సే కర్తీ మేరే కో టెన్షన్ నా కోలే బోల్తే రో రీ తో ఏక ఆద్మీ బాజూ ఠహరా థా అన్నా పహలే బచ్చీ కో తో లేకే జావో అభీ ఆ ఇధర్ ఇతా భీడ్ హై నా बाजू कहीं रख के आप फिर आ जाओ बोल के बोले, तो हमारा पड़ोसी बाजू रहता तो उधर छोड़ के फिर आया। वो पीएस पुलिस वाले से पूछा, सर मेरा मिसेस और बच्चा नहीं दिख रहा, वो ये पूछे तो कितने साल का बच्चा है, बोले तो 9 ईयर्स का है सर, वो कौन सा कपड़ा बोले तो ना ब्लैक शर्ट पहना था, वो ये बोला था, बोलते कि उन्होंने आगे एक वीडियो बताया, अनकॉन्शियस से गिर के ये था, हाँ सर हमारा बच्चा है वो ये बोलते कि हॉस्पिटल में है उन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ आप आ गया वो बोल, तो वो एक हॉस्पिटल लेके जा रहे, तो फिर बीच में कॉल आया चिकड़पली पीएस से आओ बोल के, फिर वो पीएस को गए, फिर वहाँ से एक फॉर्मेलिटी वो नाम वो लिख दिए, फिर किम्स में एडमिट करे, किम्स में जाओ, फिर वहाँ से किम्स गए, किम्स जाने के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर लगाए, थोड़ा अनकॉन्शियस है आए, जब भी अनकॉन्शियस आया वो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन लेवल्स बराबर नहीं है, वो ये पूरे कर रहे सर, प्रोसेसिंग करना है आपको, आप ठहरिए आपको पूरा प्रोसेस करने के बाद बोलते बोल के पूरा प्रोसेस करके इतना पे करो बोले, तो कि अमाउंट पे करना बोलता हूँ, मैं बोला कितना पे करो आप, कितना पे कर सकते बोलते हूँ, मैं 50,000 पे कर सकता हूँ अभी, वो ये बोलते कि मेरा दोस्त को फ़ोन करके 50 अमाउंट डाल के उनको पे कर दिया, उसके बाद में प्रोसेस करे, फिर वहाँ से ICU में इमीडिएट शिफ्ट करना, MRI वो CT स्कैन वो पूरा निकालना है बोल, तो जो भी प्रोसेस है करो मैडम बोल के वहाँ MRI करके ICU में लेके गए, जब तक 2 बज गए, 2 बजे के बाद हमारा मिसेस इधर गांधी हॉस्पिटल में ऐसा है बोल के 2:30 के बाद बोले, जब भी पहले मैं पूछा सबको हमारा मिसेस कहाँ है, हमारा मिसेस नहीं दिख रहा, मिसेस नहीं दिख रहा बोलते, आपका मिसेस को नहीं देखे सर, खाली बच्चे को देखे, खाली बच्चे था हमारे सामने, वो ये बोले, फिर रात में 2:30 को मेरे को इन्फॉर्म दिए कि ऐसा तुम्हारा मिसेस भी ये हो गया बोल के। सर आपके मिसेस का नाम और आपके बच्चे का नाम? हमारा मिसेस का नाम रेवती है, बच्चे का नाम श्रीतेज है।
वही केस फाइल किए है, हमारा भाई थोड़ा अंदर है, वो आने के बाद अभी उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं हुए। अभी तो सुबह से यही चल रहा, अभी कोई मेरे कॉल तो कुछ भी नहीं आया। एक कॉल आया कहते हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट है करो, मैं उनका आदमी आए तो एक बार बात करते बोल के बोले कहते वो कौन है अभी मेरे को नहीं मालूम है। सर तो अभी कैसा सा सिचुएशन अभी? हाँ सर, बच्चे का सिचुएशन कैसा है? वही 72 आवर्स के बाद बोलते बोल रहे वेंटिलेशन पे है।